बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास पंच मंदिरा मोर से दाहिने। सिवा के साथ करें जॉब ओरिएंटेड कोर्स बीटेक पॉलिटेक्निक होटल मैनेजमेंट सहित अन्य प्रोफेशनल कोर्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें एनराज एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट आंधरधाला ओवरब्रिज के नीचे। भाजपा को हटाना है, देश को बचाना है, इसलिए सबको इकट्ठा होना है। जिस तरह से बिहार में हम लोग इकट्ठा करके भाजपा को विदा किया है, इसका रिस्पांस पूरे देश में है और हम एक हैं हम लोग। और सोनिया जी ने आग्रह किया कि आपकी सबसे बड़ी पार्टी है, आपको इसमें सबको बुलाइए, इकट्ठा होकर के हम लोग बात करें और बात करके इनको विदा करें। 64-65 के जो चुनाव होने वाला है 24 में मैडम ने कहा है कि हम हमारा संगठन का अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है। 12 दिन के बाद हम आप लोगों से फिर मिलेंगे और नया जो प्रेसिडेंट आएंगे जो भी हो तो उनको सबको बैठा करके हम लोग इकट्ठा बात करेंगे। और सहमति है भाजपा के खिलाफ तो कांग्रेस पार्टी लगातार रही है और देश तानाशाही की तरफ जा रहा है। कहीं भी समस्या का समाधान नहीं, गरीबी है, बेरोजगारी है, कोई ध्यान नहीं दिया और उनके सारे देश भर के विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद किया, डराया, इससे कोई डरने वाला नहीं है। और हम लोग यही बात किया है और हम लोग फिर उनसे मिले। हम लोग दोनों लोग एक साथ बैठ करके मैडम से बातचीत किए हैं तो आप लोग जानते ही है ना कि हम लोगों का विचार है कि देश में अनेक दलों को एकजुट होना है और मिलकर के देश के लिए आगे काम करना है, इसकी प्रगति के लिए काम करना है। तो इन सब चीजों पर हम लोग बातचीत कर रहे थे और उनकी तो है ही, लेकिन अब वही है कि अभी कोई चीज के बारे में एक बात है कि उनके यहाँ तो अपना पार्टी का अध्यक्ष का चुनाव वगैरह है, वो सब के बाद ही फिर फाइनली वो कहेंगी कुछ। वो विचार एक तरह का ही है, विचार में कोई इसमें नहीं था, लेकिन अब किसी चीज के बारे में कुछ हम लोग अभी कहेंगे कहाँ कहाँ कौन कौन, तो उसके लिए थोड़ा दिन के बाद ये सब होगा। तो इनका अपना अगर संगठन का इनका चुनाव है इसके बाद ही करिए क्योंकि इंटरनल।